चौथे दिन का खेल आज समाप्त हुआ है, लेकिन अभी भी उम्मीद पूरी तरह कायम है क्योंकि विराट कोहली और जिनका रहने अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, दोनों की पार्टनरशिप अच्छी चल रही है। मुझे उम्मीद है कि कोई बड़ा टारगेट नहीं है, अगर सब संभल के खेलें तो इस टारगेट को हम प्राप्त भी कर सकते हैं, अचीव भी कर सकते हैं, ऐसी मुझे उम्मीद है। सर आज जिस तरह से शुभमन गिल को आउट दिया है, बल्कि वो सब कह रहे कि चीटिंग हुई। शुभमन गिल को आउट होने पर मतलब दर्शकों का रिएक्शन था, लेकिन जो थर्ड अंपायर का निर्णय होता है हमें सबको मानना चाहिए। सर उसमें काफी टाइम लगा। हाँ, वो देखते हैं बारीकी से बारीकी देख निर्णय देते, मुझे नहीं लगता कि इसको हम लोग कोई डिस्प्यूट इस पे खड़ा करना चाहिए। सर उम्मीद है कि हम ट्रॉफी जीतेंगे। उम्मीद पूरी है, उम्मीद पे ही दुनिया भर का है, हमें पूरी उम्मीद है क्योंकि जब कोई लंबा टारगेट नहीं, अगर सब संभल के खेलें तो कल का पूरा दिन बकाया है, हम जीत सकते हैं। चौथे दिन का खेल आज समाप्त हुआ है, लेकिन अभी भी उम्मीद पूरी तरह कायम है क्योंकि विराट कोहली और जिनका रहने अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, दोनों की पार्टनरशिप अच्छी चल रही है। मुझे उम्मीद है कि कोई बड़ा टारगेट नहीं है, अगर सब संभल के खेलें तो इस टारगेट को हम प्राप्त भी कर सकते हैं, अचीव भी कर सकते हैं, ऐसी मुझे उम्मीद है। सर आज जिस तरह से शुभमन गिल को आउट दिया है, बल्कि वो सब कह रहे कि चीटिंग हुई। शुभमन गिल को आउट होने पर मतलब दर्शकों का रिएक्शन था, लेकिन जो थर्ड अंपायर का निर्णय होता है हमें सबको मानना चाहिए। सर उसमें काफी टाइम लगा। हाँ, वो देखते हैं बारीकी से बारीकी देख निर्णय देते, मुझे नहीं लगता कि इसको हम लोग कोई डिस्प्यूट इस पे खड़ा करना चाहिए। सर उम्मीद है कि हम ट्रॉफी जीतेंगे। उम्मीद पूरी है, उम्मीद पे ही दुनिया भर का है, हमें पूरी उम्मीद है क्योंकि जब कोई लंबा टारगेट नहीं, अगर सब संभल के खेलें तो कल का पूरा दिन बकाया है, हम जीत सकते हैं।